अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि टोटोलिंक NH1050 की सेटिंग कैसे करते हैं एपी क्लाइंट पे। सबसे पहले हम इसे लैन केबल या जस्ट वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसे वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट, ये देखिए कनेक्ट हो गई। इसके बाद मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं इसका आईपी ओपन करता हूँ, IP 192.168.1.1। इसका आईपी है, इसके ज़रिए इसकी सेटिंग ओपन होती है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के लिए ये ब्राउज़र ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा इस्तेमाल करना हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको बताता हूँ 192.168.1.1 एंटर करेंगे। यहाँ आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड आपने देने के बाद एडमिन एडमिन देना है, एडमिन ऊपर भी और नीचे भी एडमिन देने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पेज ओपन हो गया है। हमने इसे एपी क्लाइंट पे इसकी सेटिंग करनी है, तो हम इसके सेटअप विजडा में जाके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसका ऑपरेटिंग मोड कौन सा रखें वो हमने सेलेक्ट करना है। वो हमने करना है वायरलेस आईएसपी क्लाइंट। वायरलेस आईएसपी क्लाइंट पे ये इससे हम नेट ले सकते हैं, यानी पीपीओई पे नेट चलेगा क्लाइंट। हमने सेव चेंज किया। सेव चेंज करने के बाद हमने इसे बैक कर दिया, इसे भी बैक कर दिया और हम नेक्स्ट किया। यहाँ पे वो क्लाइंट मोड एएसपी क्लाइंट रूटर आ गया। हमने इसे नेक्स्ट किया, इसे भी ऐसे ही नेक्स्ट कर देना है, इसको भी वैसे ही नेक्स्ट कर देना है, इसको भी ऐसे ही। उसके बाद हमने वाईफाई नेटवर्क इसका कनेक्टेड होना है ना, हमने वो फाइंड करना है। तो मैं फाइंड करने लगा हूँ, साइट सर्वे करवाया मैंने उसका। तो यहाँ पे ये नेटवर्क से मैंने कनेक्टेड होना है, तो इसके लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया और इसे इंक्रिप्शन मोड नॉन रहने दी और कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थर्टी सेकेंड लेगा ये। फिर उसी डिवाइस से कनेक्टेड हो गए, ये रीलोड होगा पेज सेकंड पूरे होने के बाद। उसके बाद हमने इधर डीएसपी क्लाइंट पे डिवाइस चलानी है तो डीएसपी क्लाइंट पे चला सकते हैं, डीएसपी क्लाइंट पे नहीं चलानी तो इसमें ना चलाएं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके हमने टीसीपी आईपी सेटिंग में जाने के बाद, इसकी वैन सेटिंग में जाने के बाद अगर हमने इसे पीपीओई पे चलाना है तो हमने इसे पीपीओई ड्यूल वैन एसएस पीपीओई पे क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो हमें एडमिनिस्ट्रेटर फ्राम करेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड हमने इधर यूज़र नेम और इधर पासवर्ड लगा देना है। ठीक है, इसको लगाने के बाद हमने इसे नीचे से टिक करना है कि डिवाइस हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास ओपन हो जाए, इसीलिए मैंने इसे टिक कर दिया। इसके बाद मैंने सेव चेंज की, ये जो सेटिंग थी वो सेव हो गई है। ठीक है, और ये यहाँ पे ना हमारे पास ये बूट का ऑप्शन मांग रहा है। हमने जस्ट तमाम सेटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद हम इसे रिबूट करवाएंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। और मैं इसके बाद इसका जो हमने घर में जो देना है ना, नाम और पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं वो चेंज करने के लिए हमने वायरलेस में जाना है। ये ऑलरेडी हमारे पास टोटोलिंक N150RH पे आ रहा था, तो हमने इधर से भी इधर भी वही आ रहा है, तो हम इधर से इसका नाम चेंज करेंगे। मैं इसका नाम ये लगा रहा हूँ और मैं इसे अप्लाई चेंज कर रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ इंक्रिप्शन इज नाउ नन, इंक्रिप्शन अभी नन है, कह रहा है कि इस पर कोई सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं लगा हुआ। तो मैंने इसे कहा ओके ठीक, तो अप्लाई कर दिया और अप्लाई हो गया। मैंने इसे बैक किया तो
ऐसे शबाज बाबू लिखा, ओपन हो गया। मैंने इसे चैनल भी जो है इसकी 20 कर दी, ठीक है वो 40 नहीं है तो 40 नहीं करना हमने। इसके बाद मैं इसकी वायरल एडवांस सेटिंग में जाके, या सिक्योरिटी सेटिंग में गया, और यहाँ पे मैंने ये देखिए रूटीन आप शबाज बाबू आ गया, इनक्रप्शन इज डिसेबल्ड है। जब मैंने पासवर्ड लगाना है, इसका पासवर्ड जो हमने घर में यूज़ करना है वो हमने पासवर्ड लगाना है, ठीक है। मैंने इधर पासवर्ड लगा दिया, इस पासवर्ड को हम चेक भी कर सकते हैं। उस चेक करने के लिए इसे हैकिंग का मेथड भी कहते हैं, और इस पासवर्ड को क्रैक भी कर सकते हैं। इसे मैंने अप्लाई और चेंज किया। उसके बाद मैं इसके स्टेटस में गया, स्टेटस में मैक एड्रेस आ रहा है, इधर पीपीओई डिस्कनेक्टेड आ रहा है, तो मैं इसको 66% सिग्नल आ रहे हैं इसके, ठीक है। मैं इसको अभी रीस्टार्ट करवा देता हूँ, इस डिवाइस को रिबूट रूटर, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ताईस सेकेंड आ रहे हैं इसको रिबूट होने में। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे शिवाज बाबू या कुछ भी आ जाएगा। ये देखिए शिवाज बाबू आ गई है, हमने इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना तो कर दे, नहीं तो ना सही। यहाँ पे हमने जो इसे पासवर्ड दिया था वो लगाए, मैंने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के बाद इसे पब्लिक नेटवर्क पे ओके कर दिया। इसकी आईपी को हम दोबारा ओपन करेंगे, इसकी आईपी एक्सेस हो गई है। तो हमने इधर चेक किया तो पीपीओई कनेक्टेड, अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड गलत लगा हुआ हो तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड ही आता है, ना ही आईपी टेस्ट 00 होते हैं, ठीक है। ये साथ ही मुझे मैसेज वगैरह भी आने लगे, नेट चल पड़ा, इसका मतलब मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। गूगल भी ओपन हो गया, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब भी चल रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास आपकी फुल यानी पावर होती है कि वो आपको नेट चेक कर सके कभी भी किसी भी वक्त। इसके पास आईपी गई होती है, जो आपके पास ये आईपी है ना 10.0.0.4, ये आईपी उसके पास भी होती है, आ रही होती है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ 0.4। इसके थ्रू वो इसे एक्सेस कर सकता है, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं कहीं भी बैठे हुए हैं। तो मैं इसे इसके नेटवर्क को डिसकनेक्ट करता हूँ, तो अपने जीनिस को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने इधर लिख दिया 10.0.0.4, मैंने इसे एक्सेस करने की कोशिश की तो ये एक्सेस हो जाएगी इधर से। इसके लिए शायद पीपीओई से पीपीओई ना हो, हाँ ये देखें हो गई है। यहाँ मैंने एडमिन और ऊपर भी नीचे भी एडमिन लगा दिया, इंटर किया। ठीक है, इसकी सेटिंग ओपन हो गई। इसके मैं आपको बताऊँ, जो एडमिन है एडमिन हमने दिया है, हमने चेंज भी करना होता है ताकि हम किसी को पासवर्ड दें तो हमारी सेटिंग ख़राब ना कर सके, इसलिए मैंने इसको चेंज करने का भी रखा हुआ है तरीका। मतलब लॉगिन पासवर्ड, यहाँ भी हम इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करेंगे।
जिसका यूजर नेम पासवर्ड ही चेंज कर दिया। अब ये डिवाइस फुल सिक्योर है, कोई किसी भी किस्म का इस पर अटैक नहीं हो सकता। डिवाइस की सेटिंग वगैरह, इसका हमने स्टेटस वगैरह भी चेक कर लेते हैं। शहबाज बाबू WDS डिसेबल्ड है। ये बहुत इजी सेटिंग है, और सेटिंग जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।